नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन देखो बेटा, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स इन अकॉर्डेंस टू द अदर फाइव लॉज. ठीक है, तो फाइव लॉज कौन कौन से बेटा? फर्स्ट आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवोशियर. इसको किसने दिया था बेटा? दिस लेवोशियर ने. लेवोशियर कौन था? लेवोशियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. इस लॉ को 1789 में इसको दिया था. ओके, अकॉर्डिंग इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बेटा कि जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन. ओके, बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द मैटर इन टू द अनदर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द मैटर. ओके, और वी कैन से दैट इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट that is equal to the total mass of product. Okay, means sum of masses of reactant that is equal to the sum of masses of product. Okay, now next is point number second, law of definite proportion. Definite proportions, this law was given by, इसको किसने दिया था बेटा? जोसेफ प्रोस्ट ने. ठीक है, कौन से ईयर में दिया था? 1799. ये 89 में था, ये 79 में, सॉरी ये 89 में था, ये 99 में है. ओके, इसको प्रोस्ट ने दिया था. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि जो कंपाउंड होता है दैट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम पोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय द वेट. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर. Water is made up of two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen that are chemically combined in a fixed ratio, same ratio. जैसे कि आगे बेटा 2 multiply 1 is the atomic mass of hydrogen ratio. This is 1 atom of oxygen and oxygen mass is 16. 2 ratio 16, it means this is 1 ratio 8. ये आपका means this ratio is fixed for the water. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन. देखो बेटा, दिस लॉ वाज गिवन बाय, मल्टीपल पोर्शन का लॉ किसने दिया था बेटा? दिस वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803. इसको 1803 में डाल्टन ने दिया था. ओके, इसने क्या बताया कि इफ द टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट मींस दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ सिंपल वॉल नंबर रेशियो. ओके, सपोज water and hydrogen peroxide that are formed by the combination of hydrogen and oxygen. Suppose ये hydrogen है, ये oxygen है, ये क्या बनाते हैं बेटा? Water बनाते हैं. Okay, ये आपका 2 ग्राम है, ये आपका 16 ग्राम है, ये आपका 18 ग्राम बनेगा. Okay, same hydrogen oxygen आपने इसके साथ combine की, ये बना H2O2 hydrogen peroxide. Okay, hydrogen peroxide. तो यहाँ पे क्या, ये 2 ग्राम है, ये 32 ग्राम बन जाएगा, दिस इज 34 ग्राम. ओके, तो इसमें क्या, जब मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखो ये 16 है, ये 32 है, दैट आर कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम एंड इट गिव द सिंपलेस्ट रेशियो मीन्स 16 रेशियो 32 है, तो ये क्या रेशियो देगा बेटा? 1:2. तो ये 1:2 आपका. Okay, means we can say that if the two element combine
टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाना मीन्स वाटर भी बना रहा है और H2O2 भी बना रहा है. ओके, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट दैट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर. ओके, तो ये छोटी रेशियो में आपको मिलेगा. इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट लॉ, पॉइंट नंबर फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, देखो बेटा इस केस में क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल. दिस लॉ वॉज गिवन बाय रिस्टर. ओके, इन 1792, इसमें दिया था इसने, इसने क्या बताया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट्स. सपोज हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है, जो ए बी एलिमेंट का जो मास है, ठीक है, दैट विल कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. ए प्लस बी मास का जो मास है वो कंबाइन होता है दूसरे के साथ, सी के साथ कंबाइन होता है. ओके, दैट इज आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद द ईच अदर. देखो सपोज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट सल्फर. जैसे ये हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट ए है बेटा, ये बी है, ये सल्फर के साथ कंबाइन होगा. ओके, एंड इट विल फॉर्म H2S. यहाँ पे ये H2S बनाएगा, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, एंड यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये देखना है हमें. तो इसमें कहता है कि दे शो दैट दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर एंड इट विल फॉर्म द वॉटर. ये वॉटर बनाएगा. ओके, तो इसमें यही कहा है कि जो मास है बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, सल्फर के मास के साथ कंबाइन हो जाएगा. ठीक है, सो दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:32, क्योंकि सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन 2 होगा, ठीक है, ये 2, ये 32 होगा. इट मीन्स 1:16, इसकी जो रेशियो है 1:16 वो आपकी फिक्स है. बट व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन डायरेक्टली एंड टू फॉर्म द वाटर, देन इट्स रेशियो इज 2:16, मीन्स 2 फॉर हाइड्रोजन के लिए 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है आपके पास 16 है बेटा, ठीक है, 16 इसका क्या है, एटॉमिक मास है, और एटम कितने हैं, 1, तो ये आ गया आपका 2:16, इट मीन्स दिस इज 1:8, तो इनकी जो रेशियो होती है दैट विल बी फिक्स्ड. ओके, ये आ जाएगा. नाउ आफ्टर कंबाइनिंग दिस, अब इनकी जो रेशियो है बेटा वो देखनी है हमें, तो रेशियो हम इनकी कैसे निकालेंगे, देखो 1:16, ये आपका 1:16 है, रेशियो ये कितना आया, 1:8 आया है, दिस इज 1:8, इट मीन्स इनकी रेशियो 1:2 आई है. तो 1:2 इज द सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गे लुसेक लॉ, दिस इज लॉ नंबर 5th, गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ओके, देखो इन दिस केस दिस वॉज गिवन बाय द गे लुसेक इन 1808, इसको 1808 में इसको एक्सप्लेन किया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या कहता है, व्हेन द गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, व्हेन द गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, देन दे विल गिव द सिंपल रेशियो. तो ये क्या देता है, सिंपल रेशियो प्रोड्यूस करता है, लाइक दिस, जैसे H2 प्लस Cl2 एंड इट विल गिव 2HCl. सपोज दिस इज 1 वॉल्यूम एंड दिस इज ऑल्सो 1 वॉल्यूम एंड इट विल गिव द 2 वॉल्यूम. ओके, द रेशियो ऑफ दीज वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट आर इन अ सिंपल रेशियो, 1:1:2. ओके,
सो दिस इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, इसको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स भी हम बोलते हैं. ओके, नाउ वी कैन से दैट एट ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट आर कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो फाउंड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ गैस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दैट इज मॉलिक्यूल. वो क्या है आपका? मॉलिक्यूल है बट नॉट अ एटम. मीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट शुड कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जितने भी गैसेस हैं सारी जिनकी वॉल्यूम इक्वल है टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे, देन इट विल कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. वे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करते हैं. ओके, दैट विल शो द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रो लॉ. ओके, नाउ नेक्स्ट हेयर आई विल टेक वन एग्जाम्पल. सपोज दिस इज हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है. इट रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl. ओके, यहाँ पे बेटा आपकी वन वॉल्यूम आपकी हाइड्रोजन की है, वन वॉल्यूम आपकी क्लोरीन है, देन इट विल फॉर्म द टू वॉल्यूम ऑफ द HCl. ओके, नाउ वी कैन सी दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एटॉमिक थ्योरी, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय जोहान डाल्टन. जोहान्स डाल्टन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन पोस्टुलेट्स आर मैटर दैट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड एज एटम्स विच आर इनडिविजिबल मीन्स एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर मीन्स दे हैव सिमिलर साइज सिमिलर शेप एंड देयर मासेस. ओके, मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव द सेम साइज मास एटसेट्रा. पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज दैट हैव डिफरेंट मासेस एंड साइज. ओके, पॉइंट नंबर 4, कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कंबाइन टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म अ सिंपल वॉल नंबर रेशियो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड. ओके, यू विल गिव द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इन दिस केस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द रिलेटिव नंबर्स एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स दैट आर ऑलवेज सेम इन अ गिवन कंपाउंड. ओके, मीन्स नंबर और जो इसका काइंड्स मीन्स किस टाइप के एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है, यहाँ पे सेम होना चाहिए किसी भी गिवन कंपाउंड में. पॉइंट नंबर 6, केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर मीन्स मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस. ओके, सो ऑल दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बट इन दिस थ्योरी देर आर सम लिमिटेशंस. नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. लिमिटेशन नंबर 1 मीन्स दीज आर द मेन ड्रॉबैक्स. पॉइंट नंबर 1, It could not explain the law of gaseous volume.
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बाय मास, बट इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ओके, सेकेंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे हैव द डिफरेंट मासेस साइज एंड वैलेंसेस. ओके, पॉइंट नंबर थ्री, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड्स द वेरियस एटम्स टूगेदर इन अ मॉलिक्यूल. ओके, एंड पॉइंट नंबर फोर्थ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म द कंपाउंड्स. ओके, एंड पॉइंट नंबर फाइव, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द एटम्स आर इंडिविजुअल्स, बट एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द एटम्स. ओके, सो ऑल दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. थैंक यू स्टूडेंट्स. Please revise all these topics related to your chapter number 1. Thanks.